गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम हैं अहमदनगर में और हम जा रहे हैं ट्रेकिंग के लिए कहाँ, हरिश्चंद्रगढ़ पे। तो अभी आप मेरे पीछे से देख सकते हो, ये चेक पॉइंट है। तो मैं इसके आपको डिटेल्स देता हूँ। नितिन ने अभी एंट्री फ़ी भर के हम लोग का एंट्री लिया है। सो अभी जाते हैं एंड आगे की डिटेल्स चेक पॉइंट पर जाके या फिर जो बेस पॉइंट है वहाँ जाके करते हैं। देखिए, ये चेक पॉइंट है, यहाँ से एंट्री है, वो ऑफिस है जहाँ से आप एंट्री फ़ी भर के टिकट्स लेते हैं। एंड ये यहाँ का मैप है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ट्रैकिंग पॉइंट्स है, तो आपको मैं बाद में बताता हूँ। हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए दो रूट है, एक पाचनी गांव से और एक खीरेश्वर गांव से। हम गए थे पाचनी गांव से और ये रूट से जाने के लिए आपको पर्सनल व्हीकल से ही जाना है क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। सो अभी हरिश्चंद्रगढ़ के बेस पॉइंट पे पहुँच गए एंड जो चेक पॉइंट पे एंट्री फी ली गई थी वो 30 रुपीज़ पर पर्सन थे एंड कार का था वो 100 रुपीज़ था, तो टोटल वैसे 250 रुपीज़ था। एंड जगह जगह पे मार्किंग आपने देखा रहेगा तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे जाना है, बेस पॉइंट कहाँ पे है। अभी मेरे पीछे देख सकते हो ये घर है। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप कैंपिंग के लिए आ रहे हो तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं जो आपको ऊपर टेंट्स वगैरह लगा के देते, तो हम लोग ने ये लिया है। ये जगह का नाम है सह्याद्री, मीन्स होटल का नाम है सह्याद्री। तो यहाँ पे अभी हम हमारी कार पार्क करेंगे, जो कुछ हमारा लगेज है वो लेके जाएंगे कहाँ, वहाँ पीछे। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको अगर खीरेश्वर गांव से जाना है तो आपको उसके लिए कल्याण एसटी डेपो जाना है। कल्याण एसटी डेपो से खूबी फाटा का बस पकड़ना है, वो आपको खूबी फाटा उतार देगा। देन वहाँ से 4 किलोमीटर पे खीरेश्वर गांव है जहाँ से आपका ट्रैकिंग बेस पॉइंट स्टार्ट होगा। बट जो खीरेश्वर गांव का ट्रैक रूट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एंड 6 घंटे का है, जबकि पाचनी का जो ट्रैकिंग रूट है वो 1.5 से 2 घंटे का है, बहुत ही ईजी है। अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया और हमारा गाइड है साहिल हाइकर। आता हा हमारा वर्तीपर्यंत घेऊन जाणार, ये हमें ऊपर तक लेके जाएगा, अप पॉइंट तक। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे। तो ये देखिए मेरे पीछे वो एंट्री पॉइंट है, अब यहाँ से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा। तो एक बेसिक मैप है जो हरिश्चंद्र फोर्ट के ऊपर क्या क्या है वो सब इसमें दिखाया गया है। हरिश्चंद्रगढ़ अहमदनगर जिले में मार्शेस घाट पर स्थित एक पहाड़ी किला है। तो अभी ये हमारा फर्स्ट रेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे सब थक गए साहिल को छोड़ के, बाकी कुंदन बैठ गया, नितिन अभी है, मैं भी थक गया। तो अभी ना चलने का आदत रहा है ना ट्रैकिंग का, और ये बहुत टाइम बाद हमारा फर्स्ट ट्रैक है 2024 का। तो अब मेरे पीछे देख सकते हो स्टेयर्स है, तो ऑलमोस्ट स्टेयर्स तक पहुँच गया। अभी ये स्टेयर्स चढ़ के थोड़ा सा चढ़ना है, देन प्लेन एरिया रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सिंपल है चलने के लिए। हरिश्चंद्रगढ़ एक प्राचीन किला है और इसकी ऊंचाई 4,670 फीट बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में कलचुरी शासन के दौरान हुआ था। स्कूल ट्रिप है, जो स्कूल के बच्चे जिनका भी ट्रैक टर अभी वापिस नीचे उतर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये तो सागर है, ये हमारे दो नए ब्लॉगर है, आदित्य साप्ते और कुंदन चौहान। तो अभी जोश जोश में बहुत तेज़ी तेज़ी में आगे जा रहे, थोड़ी देर में आपको इनका दिखाता हूँ। तो अभी हम वहाँ से आए एंड ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड है। तो अभी जो हरिश्चंद्रेश्वर और मंदिर है हरिश्चंद्रगढ़ पे, वो यहाँ से 2 किलोमीटर है एंड वहाँ पे जाना है। ये देखिए जो सबसे आगे था, सबसे आगे नया हमारा ब्लॉगर, वो अभी बैठा था बट कैमरे को देख के उड़ी गए और अभी चल रहे। अच्छा अभी ये जिस तरीके से दौड़ा है ना, उसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिखेगा। तो ये देखिए ये दूसरा मार्किंग है, अब यहाँ से हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर 500 मीटर की दूरी पे, तो अभी जाते आगे। वो देखिए मेरे पीछे मंदिर के पास पहुंच गए एंड यहाँ पे भी कैंपिंग होती है। अभी पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ के सेक्शन में कैंपिंग हो रही है, यहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हैं एंड जो कोकन कड़ा है वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमने शायद से कोकन कड़ा के यहाँ पे सिलेक्ट किए। तो पहले मंदिर में जाएंगे, पैर पड़ेंगे एंड देन वापस कैंपिंग साइट की ओर जाएंगे। यह है पुष्करणी जिसे उस जमाने में पानी जमा करने के लिए बनाया था, और जो आप विंडोज देख रहे हो उसमें कभी भगवान की मूर्तियां हुआ करती थी जो कि अब मंदिर में है।
अभी मंदिर के यहाँ से निकल रहे, मंदिर में दर्शन तो लिया नहीं क्योंकि सुबह आते वक्त दर्शन लेंगे, एंड यहाँ से हम जा रहे कोकनगढ़ा जो कि 1.2 किलोमीटर्स पे, तो अभी निकलते हैं। हमारा गाइड देखिए कहाँ पे, वो हमारा गाइड है इतना दूर और हम कहाँ पे। हम चाहे तो थोड़ा आराम से भी जा सकते हैं हॉल्ट ले लेके, बट इतना रश हम लोग इसलिए कर रहे क्योंकि हमें सनसेट कैप्चर करना है। बहुत सुना है, सागर भी बोल रहा था कि कोकनगढ़ा से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, तो अगर हमारा नसीब रहा तो सनसेट देखने मिलेगा। सो ये देखिए ऑलमोस्ट कोकनगढ़ा के यहाँ पहुँच गए। ये जो फेंसिंग है वो है कोकनगढ़ा, तो अभी जाते तो देखते हैं नज़ारा कैसा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो है कोकनगढ़ा, एंड ये जो पीछे है ये हमारा कैंपिंग साइट, यहाँ पे हमारा कैंप लगने वाला है। जगह का नाम है, पढ़ के बताता हूँ, रुको, रानवाड़ा स्टॉल कोकनगढ़ा फूड एंड कैंपिंग, ये इसका नाम है। तो अभी बैग वगैरह रखते हैं, फ्रेश होते हैं, कोकनगढ़ा की ओर जाते हैं। ये हम पहुँच गए कोकनगढ़ा। अरे मेरे फ़ोन का कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं पता नहीं, बट बहुत ही कमाल का व्यू है। और ये जो पूरा ये फॉग है, तो फाइनली कोकनगढ़ा के यहाँ पहुँच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हो पहुंच गए, बट सनसेट मिस हो गया। तो अभी कोई नहीं, जो भी हुआ उसको एंजॉय करते हैं। मिस नहीं हुआ, सागर ने बोला कि क्लाइमेट इतना फॉगी है, आप पीछे देख सकते हो कि सन ही दिख नहीं रहा है, सनसेट हो रहा है शायद से अभी पीछे, सागर ने जिसे कहा, बट दिख नहीं रहा है। तो अभी जो भी हुआ उसका ही मजा लेते हैं। तो फाइनली ट्रैक कम्प्लीट किया है, एकदम कुंदन लगा है फोन पे, एकदम ठंडा सा वातावरण है इधर। हाँ, बहुत बहुत ठंडागार वातावरण है। क्या बोलते हैं बच्ची, बच्ची काय बोलते हैं, इधर मस्त लग रहा है। तुम्ही नक्की या। हाँ, क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है, बज रहे शाम के शायद से 5:30-6, बट एनवायरमेंट इतना ठंडा है कि बता नहीं सकते। तो अभी फ्रेश वगैरह होते हैं, और देखे 6 बज रहे, तो अभी देखते हैं। ट्रैक किया था 4 बजे शुरू, डॉट 4 बजे शुरू किया था, 6 बजे तक पहुंच गए ऊपर, तो 2 घंटे में हो गया हमारा ट्रैक। सो अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, देन हमारे टेंट का तैयारी चल रहा है, फोम वगैरह लगा रहे, फ्रेश वगैरह होके चेंज करके देन बाद में बॉनफायर वगैरह करते, मिलते बाद में। सो अभी रेस्ट कर रहे, पूरा अंधेरा हो गया, शाम के बज रहे 7। वो मेरे पीछे जो है वो नितिन है, डरना मत, ये आदित्य के फ्लैश से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी हमारा मैगी बन रहा है, मैगी बनने के बाद बॉन फायर करेंगे, टाइम पास करेंगे मस्त, और फिर खाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। अभी मिलते हैं बाद में, या फिर खाना खाते टाइम मिलते हैं। चलो बाय। सो ये आ गई हमारी पहाड़ वैली मैगी, पहाड़ों में खा रहे हैं मैगी। एकदम व्यू तो है नहीं अभी, तो दिखा देते, और ये चल रहा है फोटोग्राफी, व्लॉगर नंबर 1 आदित्य सप्ते का। तो मैगी खा के हो गए, और अभी चल रहा है बॉन फायर, ये देखिए मस्त, ये नितिन वगैरह सब चिल करे, कुंदन। सो अभी बज रहे रात के 9, एंड खाना खा रहे सब बैठे, हमारा खाना आ रहा है। तो जहाँ पे हमने कैंपिंग साइट लिए, जिससे कैंप साइट में ऑर्डर लिया है, वही हमें खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस, अभी खाना खा के हो गया हमारा, खाने में था बाजरी का भाकरी, बैंगन आलू मिक्स सब्जी, दाल और चावल। खाना अच्छा था, जिस कंडीशन के हिसाब से खाना खा के पेट तो भर गया एकदम मस्त, बट आपको वो चोचले नहीं मिलेंगे कि चपाती चाहिए ये वो वगैरह, जो यहाँ पे मिलेगा वो आपको खाना पड़ेगा। ये देखिए पूरा कैंप साइट है, यहाँ पे जगह जगह बॉन फायर चल रही है। तभी बज रहे रात के 11:15, सब एंजॉयमेंट करके हो गया हमारा, बॉन फायर करके हो गया, खाना वगैरह हो गया, स्टार गेजिंग भी की हमने, उसके फोटोज हम वीडियो में डाल लेंगे, तो आप वो देख लेना। एंड अभी हमने 2 टेंट लिए थे, तो एक टेंट में मैं, सागर और कुंदन है, और एक टेंट में आदित्य और नितिन है। तो अभी सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह जल्दी उठने का। तभी बाय बाय, गुड नाइट।
मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 6 और हम उड़ गए, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर देखेंगे सनराइज का क्या सीन है। ये है कुंदन उसके स्लीपिंग बैग में, और ये है सागर। अभी थोड़ा सब निपट लेते हैं एंड देन बाहर निकलते टेंट के। धीरे धीरे करके जो मॉर्निंग क्राउड है वो भी आ गया है, देखो अभी यहाँ पे और रश होगा धीरे धीरे। सो टेंट के साइड से थोड़ा दूर चलते चलते गए, थोड़ा बहुत सनराइज मिला, एक्सप्लोर किया, 1 घंटा मस्त बैठे, अभी वापस टेंट की इधर आए, रुके थोड़ा क्योंकि नितिन गया था। नितिन कुठे गेले? नितिन गया तारामती शिखर पे, तो अभी वो आएगा बकचोदी करते करते, उसको लगेगा थोड़ा और आधा घंटा। अब यहाँ पे रुकेंगे, वो आने के बाद जो ब्रेकफास्ट है चाय पोहा वो करेंगे एंड निकलेंगे। अभी अगर सैटरडे संडे को आओगे तो इतना रश रहेगा, सैटरडे को फिर भी कम था बट आज संडे तो रश दिन बन दिन बढ़ते जा रहे हैं। सो ट्रेकिंग करके फ्रेश वगैरह हो गए, ब्रश वगैरह कर लिया, फोटोज भी खींच ले सेल्फी वगैरह, और अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट, खा रहे पोहा पोहा आदि पोहा। अभी हम लोग कभी आ रहे हैं, देखो आ गया हमारा पोहा, अभी पकड़ पकड़, अभी पोहा खाएंगे फिर नीचे जाएंगे, नितिन अभी तक आया नहीं। अगर आप भी हमारे जैसे कैंपिंग ट्रैक के लिए जा रहे हो तो इवनिंग को ही मंदिर में जाना, मीन्स आपको नेक्स्ट डे कम रश मिलेगा। तो हम मंदिर के यहाँ पहुँच गए, ये वही मंदिर है जो कल शाम को हमने किया था, बट मंदिर में हम गए नहीं थे दर्शन लेने के लिए क्योंकि हम डायरेक्ट कोकन काड़ा की ओर गए, और अभी यहाँ से मंदिर के अंदर जाएंगे दर्शन लेने के लिए। मेन मंदिर में, और अब रश देख सकते हो कितना रश है, संडे है तो देखते हैं अंदर जाके कुछ शूट करने होता है कि नहीं अच्छे से। सो ये आ गए मंदिर के अंदर, अभी जा रहे ये नंदी जी बैठे उसके अंदर से मेन मंदिर, ये बाकी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी एक गुफा है, देख यहाँ पे भी एक मंदिर है, ये विट्ठल रुक्माई का मंदिर है, ये हवन करने के लिए कुंड, और यहाँ पे भी एक मंदिर जी एंड ये गुफा है। पुष्करणी में जो भगवान की मूर्तियाँ थी वो हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में रखी है। दर्शन लेके हो गया, अभी उस गुफा में जा रहे हैं जो बहुत ही फेमस है हरिश्चंद्रगढ़ में, जिसमें पानी के बीचों बीच शिवलिंग है और जिसके 3 पिलर्स टूट गए और एक ही पिलर बाकी है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। अपने सो फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, तो बहुत रश है। गुफा में जाके आए, पिंड का दर्शन ले लिया, शिवलिंग का दर्शन ले लिया, अभी जा रहे हैं, थोड़ा भीग गए क्योंकि पानी है वहाँ पे, तो चेंज करना पड़ा, अभी कल का कपड़े वापस पहने कोई ऑप्शन नहीं था, अभी वापस नीचे जाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली हम हरिश्चंद्रगढ़ से डिसेंड कर चुके हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम ऊपर गए और अभी फाइनली नीचे आ गए, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है अभी वहाँ जाएंगे, थोड़ा वहाँ से भी फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से घर के, तो वही मैं ब्लॉग ख़त्म कर दूँगा। जो कैंपिंग साइट हमने बुक किया था कोकन कड़ा में, तो उसका कॉस्ट था 500, जिसमें था जाते ही ब्रेकफास्ट जिसमें 4 मैगी हमने लिया था, देन रात का डिनर, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जिसमें हमने 4 पोहा लिया था, और टेंट 3 जन के लिए मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है। बस एक बात है कि उसमें फोम मिलता है पैडिंग नीचे सोने के लिए, ऊपर ब्लैंकेट या फिर पिलो वगैरह कुछ नहीं था, तो आप एक एक्स्ट्रा पिलो श्योरली कैरी करना क्योंकि ऊपर बहुत हवा और बहुत ठंड है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी।
एंड वैसे अच्छा था खाना वगैरह, अच्छा था ब्रेकफास्ट, अच्छा था। सो इट्स एन ओके, आप उनसे ऑर्डर कर सकते हो। उनका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।